भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के सिविल अधिकारियों ने मंगलवार को गांव संगोही का दौरा किया। इन अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर गांव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और पंचायती राज प्रणाली के विषय को जानने के लिए व पंचायतों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों से विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर गांव की सरपंच ममता देवी भी मौजूद रही। करीब 30 बांग्लादेशी अधिकारियों ने बताया कि इन दिनों वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में स्थापित सुशासन केंद्र में 50वें मध्य वित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के फील्ड विजिट पर हैं। इस दौरान हरियाणा के जिलों का भ्रमण करने के बाद आज वह इंद्री के गांव संगोही में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इन अधिकारियों ने गांव में घूमकर निरीक्षण किया और संगोही गांव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गांव संगोही की सरपंच ममता देवी बेहतर कार्य करने में लगी हैं, जिसके चलते उन्होंने सरपंच ममता देवी को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर एडीसी अनीश यादव, गांव की सरपंच ममता देवी, बीडीपीओ अंकित चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्या कहेंगे आप, भारत भ्रमण पर आए, पंचायती राज आपने देखा, गाँव में आप गए, अच्छा क्या लगा आपको? And very friendly. We hope your panchayat will prosper day by day, and our friendship with India will be increased. So long live friendship of India and Bangladesh. Thank you. So, अगर कमियों की बात करें, कोई खामियां पाई गई? अरे नहीं. ठीक है. Everything is okay. Thank you so much. बोल लेते हैं. आपने सवाल भी किया लोगों से कि कैसा लगा आपको जो भारत के गांव में आप पंचायती राज में आए, कैसा आपको लगा है? बहुत ही अलग अनुभूति हो रही है। इसके पीपल बहुत ही हॉस्पिटलिटी है, वो बहुत ही आंतरिक था हमके रिसीव करने के लिए, तो हम बहुत ही खुश हैं उसके साथ बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा हर लोग हर देश में एक ही जैसे होते हैं, उसके पास कोई आंतरिकता है तो हम लोग सब कर सके, सब इसी बच्चे का हम कर सके। सब जगह अच्छा होता है, लेकिन कमियां, कोई आपने कमियां देखी हो किसी तरह की, जिसका आप सुझाव देना चाहें अपनी ओर से? कमियां नहीं है, हो सके कई लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन हम सब लोग एक साथ के काम कर लिए ना, तो सब सीमाबद्धता, सब लिमिटेशन हम उतर सके। अब तक के भ्रमण में आपके कौन सी जगह ज्यादा अच्छी लगी? सब जगह ही अच्छी है, क्योंकि आप पीपल से बहुत अच्छी है, तो सब जगह ही अच्छी है, और लोग अच्छी होती ना तो जगह भी अच्छी होता है। लोगों को क्या, अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे संदेश को? संदेश को, हम जिस किस्म के लोग ही हो ना, हम प्लानेट के लिए काम करती है, देश बचने के लिए, पृथ्वी बचने के लिए, सो वी हैव टू वर्क ऑल टुगेदर, दैट्स ऑल। थैंक यू। अरे भाई, ठीक है, थैंक यू वीडियो साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। सर थोड़ा बताएंगे कौन सा डेलीगेशन? सर बता तो दीजिए सर कि कहाँ से, कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये एक्चुअली में बांग्लादेश से आए हैं, टोटल 29 पार्टिसिपेंट्स हैं बांग्लादेशी सिविल सर्विस, वो एक्सपोजर विजिट के लिए और डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि कैसे काम होता है भारत में, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करनाल में वो आए सर, कल आए थे ये लोग हमारे टोटल 29 पार्टिसिपेंट्स, और आज ये वापसी दिल्ली जाएंगे। इनको हमने ब्रीफ कराया कि हमारा जो मैनेजरियल पावर्स होती है, डीएम की पावर्स होती है, एसपी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होती है, एसपी ऑफिस के साथ में जो सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियाँ चलाई जा रही हैं, स्कीम्स हो गई, प्रोग्राम हो गए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के, उनके बारे में हमने प्रेजेंटेशन देकर इनको बताया कि वो कौन सी स्कीम अभी चल रही है।
थैंक यू वेरी मच। अब इनका जो बंदा ना राजा वो देखो नंग पूरे कर। हाँ नहीं बिल्कुल। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।